प्रणाम पलाग, आप सभी को स्वागत है आपको सुजाता किचन में। एप्पल कितना हेल्दी है ये तो सभी जानते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ सेब की खट्टी मीठी सब्जी की रेसिपी, जो खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं रेसिपी को। बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके पैन को रख लिया है, आप कढ़ाई भी रख सकते हैं। यहाँ पे लेती हूँ मैं तेल, 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए गैस की फ्लेम को लो कर लेना है। 1/2 चम्मच जीरा, टुकड़ा दालचीनी का तोड़ के डालेंगे, 4 काली मिर्च, 2 लौंग, 8 से 10 कली लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, इसकी जगह आप अदरक भी ले सकते हैं। लहसुन का कलर ब्राउन होने देते हैं। लहसुन को यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे। लहसुन भी यहाँ पे भून चुका है, कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लाल मिर्च तोड़ के लिए। आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, और तीखा अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्च हमें बढ़ाकर भी ले सकते हैं। मिर्च को भी हल्का सा भून लेते हैं। साथ में हम लेंगे यहाँ पर 1 बड़ा प्याज, जिसे बारीक काट के लिया है। प्याज हमारा लो फ्लेम में भून रहा है, तब तक हम करते हैं आगे की तैयारी। सेब की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 सेब। सेब को मैंने धो के ले लिया है, अब हमें सेब को कट करना है। यहाँ पे मैं सेब का छिलका निकाल लूंगी। छिलका मैंने उतार लिया और लंबे में इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। आप चाहें तो इसी तरीके से लंबे में पतले में भी कट कर सकते हैं। सभी सेब को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब आइए गैस की तरफ। प्याज को भी मैंने बीच में चला लिया था, और देखिए प्याज भून चुका है। इतना ही हमें प्याज को भूनना है, बिल्कुल ब्राउन कलर ये इसका हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब लेते हैं कुछ मसाले। लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे लाना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कलर अच्छा आता है, तीखा कम होता है। मसालों को मिला लेते हैं। 1 से 2 सेकेंड हम यहाँ पर मसाले को भून लेंगे। अब डालेंगे कटे हुए सेब। सेब को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लेंगे हम पानी, 2 कप मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच चीनी। सब्जी में हल्का सा खट्टापन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमें सब्जी को पकाना है। 4 मिनट हम इसे कवर कर लेते हैं हाई फ्लेम में। 4 मिनट बाद ढक्कन को उठाते हैं। देखिए सॉफ्ट हो चुका है, पक गया है। अगर सेब ना पका हो तो 1 से 2 मिनट आप इसे और पका सकते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर लेते हैं। हरा धनिया भी बारीक काट के डाल सकते हैं। चटपटी सेब की सब्जी बनके तैयार है। सब्जी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सबके साथ अच्छी लगती है। गार्निश के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक। आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।